गुड गुड इवनिंग इवनिंग एंड वेलकम टू लेट्स मैं आपकी educator, साक्षी और आज हम कर रहे हैं बच्चों माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट सेशन ये टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे तो सबसे पहले सारे बच्चे बता दें, से बता कि बच्चों को मेरी आवाज आ रही है आर यू गाइज एबल टू सी मी and hear me? Yes. चार तो दिल बन जाना चाहिए भाई दिल के बिना काम नहीं चलेगा दिल के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरनवाल एंड है बी डी एस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम एस रामया डेंटल कॉलेज सो अपार्ट फ्रॉम बींग डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एडुकेटर और आज आज मैं ले रही हूँ सेशन ऑन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कल परसों इसका फर्स्ट लेक्चर था कल बेटा नेटवर्क इशू की वजह से आज ये तीन बजे दूसरा लेक्चर हुआ है और अभी इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हाय प्रणय हेलो हर्षित हेलो एवरीवन तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए लेट्स क्रैक नीट यू के नाम से चैनल है और मेरे से डिरेक्टली कनेक्ट करना है तो साक्षी हंड्रेड टाइप करेंगे और मेरे ग्रुप पे आप ऐड हो जाएंगे इसके अलावा बेटा अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करनी है जहाँ पे आपको फ्री क्या मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास इन फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास और क्या मिल रहा है आपको फ्री क्विज मिल रहा है फ्री, फ्री लीडर बोर्ड कॉम्बैट ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलनी हैं सिक्सटी प्लस एजुकेटर यहाँ पढ़ा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप अनलॉक कर सकते हो एक कोड से और क्या कोड है यही टेलीग्राम चैनल का नाम है यही हमारा कोड है साक्षी हंड्रेड ओके इसके अलावा बच्चों बच्चोंडमी हमें बहुत ही प्यारे सब्सक्रिप्शन देता है जिससे आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जाया जा सकता है दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक पे आपको डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कंटेंट यू गेट इसका बड़ा भाई आइकॉनिक जहां पे आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल रहा है जो कि डेली बेसिस पे आपको गाइड करेगा कि पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाना है

तो ये बेटा मेरा कोड है मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है अनलॉकिंग का कोड है तो हर मर्ज की बेसिकली एक दवा है साक्षी हंड्रेड चल शुरू करेंगे चैप्टर और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में तो ये सारे इको फ्रेंडली हैं ठीक है यानी कि हमारे दोस्त हैं ये है सारे चलिए अपने दोस्तों से मिला जाए जो कि हमारे इन्वामेंट को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट पहुंचा रहे हैं अभी तक हमने देखा पानी को कैसे साफ कर रहे हैं ठीक है इंडस्ट्रीज में कैसे इनका यूज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें हमने देखी लेकिन आज हम देखेंगे कि ये हमें इन्वामेंट में किस तरह से मदद कर रहे हैं बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्शन हो रहे हैं जिसमें ये मदद करने वाले हैं हाय उत्कर्ष हेलो बेटा चलो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट तो ये क्या है बायो कंट्रोल एजेंट है क्या कर रहे हैं हाँ बेटा कल क्लास नहीं हुआ था मेरे यहाँ नेटवर्क इशू हो गया था पूरे एरिया का मतलब समझ रहे हो बैंगलोर का पूरे साउथ बैंगलोर का नेट चला गया था इट वॉज़ नॉट मी पूरा साउथ बैंगलोर का नेट चला गया था ठीक है पॉइंट जीरो एम बी पी एस आ रहा था हाय आफरीन तो बड़ी दिक्कत हो गई थी तो इसलिए मैंने आज तीन बजे वो लेक्चर लिया है और अब उसका लास्ट पार्ट अभी है अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने सही किया और अब नहीं जाना चाहिए इंटरनेट तो आज सुबह की एट पी एम वाली क्लास भी गड़बड़ हुई थी आज कोई बात नहीं हम उसको कवर अप कर लेंगे और चली चलते हैं बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट तो बायो कंट्रोल से हमारा क्या मतलब है ये किसी चीज़ को तो कंट्रोल कर रहा है तभी इसका नाम बायो कंट्रोल है किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है पेस्ट को डिजीजेस को और कोई भी हार्मफुल टाइप ऑफ कोई भी हार्मफुल चीजें हैं उससे आपको हार्मफुल थिंग से आपको प्रिवेंट कर रहा है कौन ये बायो कंट्रोल और ये क्या होंगे बायोलॉजिकली यानी कि इको फ्रेंडली होंगे ये किसी भी तरह से आपके सॉयल को या इन्वामेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरी बात है ये दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ योर इन्विरोनमेंट दीज आर दी कॉम्पोनेंट ऑफ योर इन्विरामेंट केमिकल्स इन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एंड ऑल्सो टू द पॉल्यूट एंड दिस पॉल्यूट द इन्विरोनमेंट कैसे ह्यूमन को ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं ये कैसे पेस्टिसाइड हमारे ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं कौन सा इस मैकेजम से जिससे पेस्टिसाइड धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं उस प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन क्या है बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है इससे हर ट्रॉफिक लेवल पे आपके इंप्योरिटी जो पॉलिटेंट है वो बढ़ते जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे देर इज इंक्रीज और ह्यूमन तो मोस्ट ऑफ द टाइम हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा पॉलिटेंट पहुंचते हैं इस बायो मैग्निफिकेशन से क्लियर है यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विद ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक मटेरियल एंड पेस्टिसाइड जितना ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव चीजें यूज करोगे उतना ज्यादा आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी किस पे कम हो जाएगी ये हार्मफुल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और जितने भी केमिकल्स होंगे उन सब पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो केमिकल फ्री बना रहा है इन्वॉर्मेंट को केमिकल फ्री हैं ये सारे कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल आप बताओ डू यू गाइज थिंक एनी बायो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म कह लो ठीक है या एनी कोई मेथड जिससे आपका इन्वामेंट को नुकसान भी ना पहुँचे और आप कोई भी तरह का डिजीज़ या पेस्ट को कंट्रोल कर लो कैन यू गाइस थिंक बहुत से लोग जानते होंगे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्वेंट हुई हैं बहुत से ऐसे माइक्रोब्स इन्वेंट हुए हैं जो कि आपने बी कॉटन का नाम सुना है कितने लोगों ने सुना है बी कॉटन का नाम क्या होते हैं ये बी कॉटन किन सुना है ये नाम हाँ जी जितने भी ऑर्गेनिक फल सब्जियाँ आ रही हैं आपकी वो सब क्या कर रहे हैं वो यही बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर रहे हैं जिससे वो हेल्दी, उसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो रही है उसमें किसी तरह का डिजीज नहीं हो रहा है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल सही है उत्कर्ष बिल्कुल सही बात बोली बैक्टीरिया है ये क्या हो गया बेटा पहले नाम क्या रखा आपने अपना नाम बताओ फिर मैं बात करूंगी बायो हर्बिसाइड बैकुलवायरस और बायो पेस्टिसाइड तीन तरह के हैं पहले तो है बायो हर्बिसाइड जो हर्ब्स को अनवांटेड अनवॉन्टेड को भी हटा देते हैं और बायो पेस्टिसाइड तीनों के बारे में आराम से पढ़ेंगे तीनों के बारे में पहला है हमारा बायो हर्बिसाइड कौन है बायो हर्बिसाइड ये क्या कर रहा है इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बिल्कुल उसमें एक एडिशन है दैट इज अ काइंड ऑफ बायो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं बहुत सारी चीजें हैं नेहा बेटा सबसे पहला काम करो अपने लिए कोई पॉजिटिव सा नाम रखो ये नाम हटाओ अब अगर आपको अपना नाम नेहा नहीं रखना है यहाँ पे मत रखो लेकिन प्लीज चेंज योर नेम विथ समय पॉजिटिव एटीट्यूड डॉक्टर कुछ भी रख दो डॉक्टर नेहा रख दो कुछ भी रख दो बस चेंज योर नेम पहले तो नाम में ही इतनी ज़्यादा गंदगी है कि आपके माइंड में भी वो आ जाएगी ठीक है चल ये क्या करेगी? वीड को कंट्रोल करेगी वीड्स को जो अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं जब आप कई खेत पे अगर जाओगे जाओगे कोई भी खेत पे अगर आप गए अगर आप देखोगे तो वो जो मेन क्रॉप है ना मेन क्रॉप के बीच में छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट ग्रो किए होंगे वो अनवांटेड प्लांट क्या होंगे वो वीड होंगे क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं किसको डिस्टर्ब कर हमारे नॉर्मल क्रॉप्स को उनका न्यूट्रिशन ले ले रहे हैं ठीक है उनका सारा ठीक है विटामिन्स आपका न्यूट्रिशन ले लिया उनका वाटर ले लेंगे ठीक है ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारा तो ये सारी चीज़ें ये लोग खा जाते हैं वीड बन के इनकी कोई ज़रूरत तो होती नहीं है फिर भी ये आ जाते हैं हाई श्रवण फिर भी ये आ जाते हैं राइट फर्स्ट हर्बिसाइड वॉज डेवलप्ड इन 1961 कब डेवलप हुआ था 1961 में ठीक है हाय विशाल गलत बात है बेटा ऐसे नहीं करते एंड इट वॉज ए माइको हर्बिसाइड जब माइको यूज होगा तो माइको किससे रिलेटेड है फंगी किस से किससे रिलेटेड है बच्चों फंगी से तो इट वॉज हर्बिसाइड मेड अप ऑफ योर फंगस कोई बात नहीं श्रवण ठीक है चलो फंगस से बने थे ये बायो हर्बिसाइड क्लियर है क्लियर है यहाँ तक जल्दी से बताओ पहला बायो हर्बिसाइड 1961 में ये सब डेट्स याद रखने हैं प्योर एंड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना यहाँ का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है मैं सिर्फ मेन पॉइंट लेके आई हूं जो आपको एक्चुअली याद करना है बाकी सारी चीज ऐसे फ्लश आउट कर देनी है ये ध्यान जरूर रखना है डिराइव फ्रॉम ए फंगस फाइटोफोरा पैलमिनी ठीक है कौन से फाइटोफोरा पैलमी ये इस फंगस का नाम है ये पहला बायो हर्बिसाइड है क्या है पहला बायो हरबी साइड फर्स्ट है इसलिए हमेशा याद रखना जरूरी है पहले चीज को सब लोग याद रखता है ठीक है कहते हैं ना पहला इंसान जो मून पे गया वो राकेश शर्मा थे हमारे प्लान हमारे अर्थ से अर्थ से कहने हमारे इंडिया से लेकिन सेकेंड वाले का नाम कोई नहीं जानता है तो पहले वाले का नाम ही पूछा जाता है भाई ऐसी दुनिया है जो पहले किया वो ही जीता ठीक है नहीं पहले नेहा इलाज तब बनवाएंगे ना जब एक एक स्टेप को आगे आप करते जाओगे ठीक है कोई भी चीज़ आपको ठीक है ऐसा तो नहीं है ना नर्सरी में आते बच्चों को कहा जाता है कि पहले एबीसीडी सिखाएंगे फिर उसके बाद वर्ड सिखाएंगे फिर लेटर लेटर सिखाएंगे फिर वर्ड सिखाएंगे सेंटेंस सिखाएंगे फिर तुमको डॉक्टर बनाएंगे तो कहता चलिए बस बताते चलिए पहले हम बाद में पढ़ेंगे तो पहले उसको बोलेंगे कि अगर ए बी सी डी सीखना है तो पहले ए बी सी डी लिखो तो सही वैसे ही अगर मैंने आपको बोला है नाम चेंज करना है एक मिनट का काम है अगर आप एक मिनट में नाम नहीं चेंज कर सकते हो मैम जल्दी से चेंज करो नाम तो फिर माने कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव है फिर तो बताने का मजा है हाय हाय विशाल मैम मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूं क्या बात है विशाल चल कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ मिल्क वीड वाइन्स इन सिट्रस ऑर्किड्स ठीक है तो क्या हो रहा है मिल्क वीड वाइन्स के ठीक है जो ग्रोथ होती थी ये वीड एक तरह से मिल्क वीड वाइन जो कि सिट्रस गार्डन में देखा जाता था और उसको कंट्रोल करने में मदद किया है ये बायो हर्बिसाइड ये बायो हर्बिसाइड राइट चल पहला है बायो इंसेक्टिसाइड क्या करेगा ये इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करेगा इंसेक्ट के अननेसे अटैक को प्रिवेंट करेगा हाई वैष्णवी लेडी बर्ड एंड डैग ड्रैगन फ्लाइज कॉन लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज ठीक है ये दोनों दोनों दोनो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमें एम्फेड से मॉस्किटो से बचाते हैं ठीक है ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड ये दोनों तरह के कीड़े हैं एक्चुअली जो कि बाकी के इंसेक्टिसाइड्स को दूर रखते हैं इनको क्रॉप्स के पास आने नहीं देते हैं क्रॉप को प्रिवेंट करते हैं प्रिवेंट्स द क्रॉप फॉर दी फ्रॉम दीज अटैकर्स ये अटैकर्स हैं इनके जो प्लांट को पूरा तहस नहस करके चले जाते हैं तो इनको बचाता है कौन लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ठीक है चल देखो ये लेडी बर्ड है आपकी देख रहे हो ये ये ऐसी दिखती है अक्सर आपको खेतों में ये दिख जाती हैं आपके ऊपर चल रही है मजे मार रही रहती हैं तो ये लेडी बर्ड्स आपको अक्सर दिख जाएंगी ठीक है अक्सर दिख जाएंगी

कल मैंने ये बात की है अकेडमी में कि आई एम वेरी फेडो ऑफ सब स्टूडेंट्स अब ये नाम मैं याद करना शुरू करी हूँ अभी तक मैं नाम नहीं लिख रही थी अब मैं नाम लिख रही हूँ इन लोगों को पूरे चैनल से हटवाऊँगी पूरे चैनल से अभी एक भी आप आओ देख देखने देखो अभी आप लोग को मजाक लग रहा था ना ये मेरा भी लग रहा था कि मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को सॉरी देखो अभी आज मैं नाम नोट करती हूँ आपका आप नाम भी चेंज करोगे ना कर लो आप चेंज क्योंकि आपका बैकएंड से अब डेटा मिल जाता है सबसे बड़ी बात है ये मैंने पूरा प्रोसीजर करवाया अभी अन अकेडमी में बात करके अब बैकएंड से डेटा मिलता है जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं ना उसको डायरेक्टली मैं बोल के ब्लॉक कराऊंगी अब बोल के ब्लॉक कराऊंगी घबराओ मत चल तो कैक्टाई की ओवरग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है कॉक कॉक्शनील इंसेक्ट राइट राइट, राइट? चलो किसी को कुछ भी बोलिए आप कोई दिक्कत नहीं है बट अगर इज्जत करना लोगों की नहीं आएगी ना तो कभी दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी आपके बोलने से मुझे कुछ नहीं हो रहा है आई एम रियली हेयर आई एम हैप्पी आई एम टीचिंग मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप ऐसे बनेंगे एक तो आप अपनी इज्जत खो रहे हो सामने वाला भी इज्जत नहीं करेगा और ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे तीनों चीज़ आपका ही नुकसान कर रही है और ऊपर से ब्लॉक अलग हो गए तो हर जगह से गए आप चलिए बेनिफिट्स ऑफ बायो हर्बिसाइड बेनिफिट क्या है बायो हर्बिसाइड के हाय मुश्ताक हेलो हेलो ये बात मैंने श्रवण कली की है अभी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कैसे टीचर्स को इससे कंट्रोल किया तो एक ही उपाय मिला बैक एंड से मैंने फिर बोला कि आप लोग ऐसा करें कि जो भी चैट्स आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर उसके क्या कहते हैं उसके उसको डेटा के थ्रू उसको उस तक पहुँचा जा रहा है और उसको ब्लॉक किया जा रहा है सिंपल सी बात क्या कर रहा है बायो हर्बिसाइड से क्या क्या बेनिफिट हो रही है सर्वाइव इन द इनवामेंट लॉन्ग इनफ फॉर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तक उनको संभाल के रखता है ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो किसी भी तरह का दिक्कत ना हो कोई बात नहीं मुस्ताक आप नए हो पढ़िए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें ठीक है चलिए कल इसी स्लॉट में अनाटमी के क्लासेस लगेंगी अब ठीक है कल इसी टाइम पे 7:30 पीएम पी एम आप एनाटमी की क्लासेस लगेंगी अब सिर्फ दो क्लास होंगी यूट्यूब की सुबह आठ बजे शाम को साढ़े सात बजे बस और मैम कोई क्लास नहीं ले रही सिर्फ दो क्लास होंगी बहुत से बच्चों को दो क्लास की वजह से छूट रहा था सिलेबस तो आई मेड इट वन और एक होंगी पर थोड़ी सी लंबी होंगी एक घंटे से थोड़ी सी ज्यादा होंगी ठीक है चलो चीपर एज कंपेयर टू सिंथेटिक पेस्टिसाइड सिंथेटिक पेस्टिसाइड को केमिकली फॉर्म किया जाता है ठीक है और इसको फिर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है और इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करी ऑब्वियसली वो महंगाई देगी तो इट इज कॉस्टली एट द एंड बहुत कॉस्टली हो जाता है ये क्या होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं ये देखो जाके लेडी बग पैसे इकट्ठा करके लाएंगे छोड़ देंगे लो भाई बन गया बायो अरबी साइड चलो कोई बात नहीं कार्तिक बेटा आप 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 आज रुक जाओ ना मतलब डू यू गाइज इवन रियलाइज आप क्या दे रहे हो आपके घर में किसी बड़े को अगर ये वर्ड बोल दिया जाए हाउ विल यू फील टेल मी अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ चलो मैं मान लेती हूँ आपके हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ जाओ कोई बात नहीं मैं नहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ बट आपका क्या ले रही हूँ ये बताओ मैंने आपको बुलाया यहाँ पे मत आओ सिंपल सी बात है नहीं पढ़ना है मत आओ दिक्कत क्या है सबको तो थोड़ा अपना यहाँ भेजा भी इस्तेमाल करो कि कर क्या रहे हो भैया ना तुम्हारा चैनल ना तुम्हारा यूट्यूब हाँ तुमको पढ़ना जाओ पढ़ो जहाँ पढ़ना है रेड्यूस फार्मिंग एक्सपेंसिस मैनेज प्रॉपरली फार्मिंग का एक्सपेंस कम कर देता है क्योंकि एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बायोपेस्टिसाइड ये सब चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी अगर ये ऑलरेडी इन सब चीजों को रेगुलेट कर जाएगा ठीक है चल सेम नहीं पढ़ाया जाएगा सुबह एन सी आर टी लाइन बाय लाइन होगा शाम को नॉर्मल गी वाली क्लासेज होंगी दोनों अलग अलग हैं नॉट हार्मफुल टू इनवीरोमेंट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हर बी साइड एम विल नॉट अफेक्ट द टारगेट ऑर्गेनिज्मीक है विल नॉट अफेक्ट द टारगेट ऑर्गेनिज्म कोई मूड नहीं खराब हुआ यार चिल करो ठीक है खुश रहा करो कार्तिक आएम रियली नॉट एंग्री विथ यू मुझे बट बत इतना बताना है कि वॉट आर यू गाइज डूइंग डू यू रियली वॉन्ट आपको नहीं पढ़ना आप जाओ मैं नहीं ब्लॉक करा रही हूँ लेकिन अभी जाओ इस्ता मत करो ठीक है पढ़ना तो पढ़ो स्पैम मत करो नॉट हार्मफुल टू इन्वॉर्मेंट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हर्बिसाइड तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है यानी इको फ्रेंडली होते हैं क्या होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं राइट यार हर क्लास ऐसे बर्बाद करके क्या फायदा मिलता है जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनको भी नुकसान है क्वेश्चन है ना एंड में तो क्वेश्चन तो एंड में करोगे पहले चैप्टर पढ़ लोगे पहले क्वेश्चन करा दें फिर चैप्टर पढ़ते हैं ज्यादा मजा आएगा ऐसा होता है एंड में क्वेश्चन कराएंगे मैंने आपके लिए एक सीरीज सोच के रखी है मैं डिस्कस करूंगी आपसे ठीक है कोई बात नहीं कार्तिक लो भैया माफ कर दिया माफ कर दिया बस करो चलो पेस्टिसाइड नहीं हूं नाराज यार चलो ठीक है बोल लिए खुश हो गया खत्म बात खत्म बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट होंगे दैट आई यूज टू कंट्रोल वीड इंसेक्ट और पैथोजन ठीक है पेस्टिसाइड वीट वीड को ठीक है इंसेक्ट और पैथोजन सब चीज को कंट्रोल करते हैं कैसे कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गन यूज दैस बायोपेस्टिसाइड इंक्लूड वायरस बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजो एंड माइट्स ये सारे क्या हैं आपके बायोपेस्टिसाइड्स हैं क्लियर है क्लियर है बायोपेस्टिसाइड्स क्या होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स हैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप बैक्टीरिया ही यूज करेंगे ठीक है आप फंगी ही यूज़ करेंगे हर तरह की चीजें हर तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है थैंक यू महेश थैंक यू सो मच बैसिला ये है आपके बीटी साहब कौन है ये बीटी साहब और ये बहुत फेमस है एक्चुअली अगर बायोपेस्टिसाइड का नाम लें तो हर इंसान इसके बारे में जानता है जानता है कि नहीं जानता है कि नहीं सच बताना बीटी कॉटन बीटी आप हर बच्चे के मुंह की जुबान हर बच्चे की जुबान पर है बीटी क्या होता है तो ये मोस्ट फेमस बायो हर्बिसाइड है यूज एज पेस्टिसाइड अगर इसको डाल दिया जाएगा तो उस क्रॉप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं कोई भी तरह के आपके पैथोजेंस या बायोलॉजिकल एजेंट स्पोर्स ऑफ दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन क्राई प्रोटीन क्राई जीन्स में होते हैं जीन से क्राई प्रोटीन बनते हैं वो किलारवा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट को किल कर देते हैं क्या होता है चलो सुनो ये जो क्राई प्रोटीन होते हैं ये जीन्स में मिलते हैं क्राईजींस से बनते हैं तो ये प्रोटीन जब कोई भी आपका कहेंगे पैथोजन खा ले रहा है ठीक है उसके अंदर जाके उसके लार्वा को वो मार देता है और नॉर्मल इंसेक्ट पे वो एक्ट नहीं करता यही इसकी खासियत है नॉर्मल इंसेक्ट पे नहीं एक्ट करता बिल्कुल सही है प्रणय बोल वॉर्म पे एक्ट करता है बोल वॉर्म पे जो कि कॉटन पे आके अटैक मारते थे इनके लार्वा को जाके खत्म कर देता था बाकी लोग को बचा लेता था तो है ना जादुई जादुई था बैक्टीरियम वॉज फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड टू बी यूज ऑन ए कॉमर्शियल स्केल इन दर्ड तो अब कॉमर्शियलाइज अब कॉटन जो भी आते हैं ना मोस्टली वो बी टी कॉटन ही होते हैं जितने भी कॉटन अब प्रोड्यूस हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अब आपको बी टी कॉटन ही मिलते हैं ठीक है रेजिस्टेंस बना देता है बिल्कुल रेजिस्टेंस आगे चल के बनाएगा ऐसा नहीं है ठीक है एक नेगेटिव पॉइंट है इन सब चीज़ों का बिल्कुल सही बात है जो आपके केमिकल्स होते हैं ना ये एक एक जनरेशन तक

सेलेक्शन हो जाएगा उसका क्योंकि वो बच गया है और वो जो प्रोजेनी बनाते जाएगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे तो कुछ दिन बाद देखा जाता है कि वो केमिकल उस पर असर नहीं कर रहा है हमारी डेली लाइफ में भी ये होता है हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है अगर कोई पेशेंट है मान लो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है मान लेते हैं गैस्ट्राइटिस का ही पेशेंट है अगर उसको एक सिंपल पैन देते हैं देखिए पैंटोसिड देते हैं तो उसको गैस कंट्रोल हो जाती है कुछ दिन के बाद देखते हो अगर वो डेली गैस बन रही है उसको डेली पैंटो खा रहा है ठीक है कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उस पर वो दवा भी असर करना कम कर दिया है उसको या तो डोज बनानी पड़ती है डोज ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं कई बार डोज बढ़ा लेते हैं लेकिन अगर डोज नहीं बढ़ा सकते तो उसका और मॉडिफाइड वर्जन लेना पड़ता है तब नेक्स्ट पे जाते हैं पैन डी एस आर वो और स्ट्रॉन्ग होती है विथ इन जाइम्स समझो ऐसे लेवल अप होते जाता है तो रेजिस्टेंस अपने आप मेडिसिन से केमिकल से डेवलप होने लगता है तो ये बायोपेस्टिसाइड में एक चीज ये अच्छा है कि ये नेचुरल है इको फ्रेंडली है राइट मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन क्राई प्रोटीन कैसे एक्ट करा चलिए देखेंगे स्पोर्स ऑफ बी टी आर मिक्स विथ वॉटर एंड स्प्रेड इन टू वलनर सच एज ब्रासिकाज एंड फ्रूट ट्री तो ये जो ब्रासिका होते हैं आपके फ्रूट ट्री हैं इन लोग में इनको क्या पानी के साथ घोल देते हैं और खूब स्प्रे मारते हैं ठीक है स्प्रेयर से खूब अच्छे से स्प्रे मारते हैं ठीक है बोलिए क्या हुआ सॉरी सॉरी फॉर्म में नहीं होगा स्पोर फॉर्म में रहेगा हाइबरनेटेड फॉर्म में रहेगा बेसिकली स्पोर जब आपके एक कोटिंग के अंदर बंद रहते हैं तो वो क्या हाइबरनेशन में चले जाते हैं ठीक है उनका

कैटरपिलर को यानी कि लार्वा को सिर्फ लार्वा को आपके अटैक कर रहे हैं क्योंकि लार्वा ही जाके अटैक मारता है प्लांट पे राइट अटैक करता है प्लांट्स पे या क्रॉप्स पे इसलिए केवल लार्वा खत्म करते हैं बाकी इंसेक्ट जो होते हैं अनहार्म रहते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है ओके डेवलपमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड बीथ्यूरजिस एस टॉक्सिक जीन इन टू प्लांट ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब देखा था ठीक है टॉक्सिक जीन प्लांट में देता है जो कि आगे जाके किसी भी लार्वा को नुकसान दे सकता है चलो सच प्लांट्स आर एसेंशियल टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट सच प्लांट आर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसे पेस्ट बी टी कॉटन इज सच एग्जाम्पल विच इज बीन कल्टिवेटेड इन समीजन ऑफ आर कंट्री हमारे कंट्री में बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जा रहा है नई प्रणय उस पर इफेक्ट नहीं होगा ठीक है क्योंकि इनका जो है सिर्फ लार्वा के जीन पे जाके सेलेक्टेड होता है सेलेक्टेड होता है ठीक है सब पे नहीं इफेक्ट होगा नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा क्या है ट्राइकोडर्मा क्या है बच्चों बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग डेवलप टू यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज फंगस ट्राइकोडर्मा तो फंगल इन्फेक्शन है ट्राइकोडर्मा ठीक है बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड टू यूज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज क्या है फ्री लिविंग होती हैं जो कि रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है तो बहुत सी प्लांट डिजीज को क्योर करता है ये आपका ट्राइकोडर्मा इफेक्टिव बायो कंट्रोल अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन तो ये फंगल ओरिजिन है फंगल ओरिजन अगेन जो कि प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है नेक्स्ट है बैकुलो वायरस क्या होता है बैकुलो वायरस क्या है ये बैकुलो वायरस चलिए देखेंगे आप हर बैकुलो वायरस को नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थरोपोड तो ये वो पैथोजन है जो दूसरे इंसेक्ट बीटी सबको तो नहीं मार सकता ना तो और भी तो पैथोजन है और भी तो आर्थरो से कीड़े मकौड़े जो आके आके इफेक्ट करते हैं ठीक है कॉकरोच भी आके बहुत नुकसान करते हैं खेतों में नहीं जाते अलग बात है मेजोरिटी ऑफ बैक्लो वायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फ्रॉम दीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ठीक है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस इनका नाम एक जगह नोट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जाएगा कि बैकलो वायरस क्या होते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैकलो एग्जाम्पल ऑफ बैकलो वायरस एज ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी एक में ये पड़ा रहेगा बाकी तीनों इसी से मिलते जुलते चेंज कर देंगे ठीक है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवाइरस है न्यूक्लियो यूनिहाइड्रोवायरस भी बना देगा कोई भरोसा नहीं कुछ भी आपका चेंज कर सकता है इसमें बैकलियो वायरस आर नोन टू कंट्रोल पेस्ट लाइक पोटैटो बीटल्स एम्फिट्स एंड कॉर्न बोरस तो एम्फिट को बीटल्स को मारने जाता है जो कि हमारे पोटैटो के प्लांट में सोलेनेसी फैमिली में भी जाके अटैक मारते हैं ठीक है उनको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है बैकुलो वायरस नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट मैमल एनिमल फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट इनका भी यही काम है कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते स्पेशली डिजायरेबल वेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बींग कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और वेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज ट्रीटेड इनका यूटिलाइजेशन कब करते हैं अगर किसी एरिया में अगर किसी एरिया में कोई आपका ऐसा चल रहा है जिसमें पेस्ट मैनेजमेंट आप कर रहे हो ठीक है पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो कंजर्वेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट तो उस जगह पे इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये अगेंस्ट सेलेक्टिव अटैक करता है क्या करता है सेलेक्टिव अटैक करता है तो सब चीजों पर अटैक नहीं मारता है और जो अननेसेसरी चीज होती है उसको बिल्कुल छूता नहीं है और जो फालतू की चीजें उन उनपे अटैक कर जाता है क्लियर है माइक्रोब्स एज बायो बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या होते हैं जो कि क्रॉप में मदद कर रहे हैं और इनको बायोलॉजिकली कैसे ग्रो होते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर में क्या आएगा गोबर गैस जो हमने अभी होता है गोबर गैस थ्री पी एम वाली क्लास में देखा उसमें हमने गोबर गैस जब बनाई थी तो उसमें जो आपका इफ्लुएंट निकल रहा था जो वहां से गंदगी आपका स्लज बन के निकल रहा था उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं वो भी एक तरह का बायो फर्टिलाइजर ही होता है क्लियर है चलो ऑर्गेनिजम दैट एनरिच द न्यूट्रिय क्वालिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिय क्वालिटी ऑफ सॉइल कैसे यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इन नेचुरल वे तो यहां पे कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं डाली जा रही सारी चीजें इको फ्रेंडली होंगी इसीलिए तो बायो फर्टिलाइजर है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिकली आपके फ्रूट्स को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हेल्प डालने में मदद कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे हमारे बायो फर्टिलाइजेशन ठीक है चलो यहाँ पे देख लेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप वैरायटी वेराइटी बेहतर होती है फार्म एनिमल्स सुपरविजन जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंट्रोलिंग अदर ऑर्गेनिज्म और वीड कंट्रोल ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आती हैं ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें सारी चीजें आप नेचुरली कर रहे हो कोई भी चीज हार्मफुल नहीं कर रही हार्मफुल नहीं है सारी चीजें नेचुरल है राइट एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए माइक्रोब्स आर यूज बायो फर्टिलाइजर्स यही पीपीटी मैं भेज दे रही हूं आपको ठीक है बैक्टीरिया फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया तीन तरह की क्वालिटी हैं बैक्टीरिया फंगी एंड साइनो तो बैक्टीरिया क्या है राइजोबियम अभी किसी ने पूछा राइजोबियम क्या है इसीलिए मैं चुप थी क्योंकि अगला नाम इसी का आ रहा था तो ये क्या कर रहा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है किसके साथ किसके साथ रहते हैं ये रहते हैं रूट नॉड्यूल में किसके लेग्यूमिनस प्लांट के लेग्यूमिनस प्लांट के और वहाँ क्या करते हैं वहाँ क्या करते हैं बच्चों वहाँ पे करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रास करके न्यूट्रिशन में मिक्स कर रहे हैं बेसिकली उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी ऐड कर रहे हैं राइट right? अच्छी क्वालिटी ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्लांट एंड यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट तो राइजोमियम आपके बैक्टीरियल बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं क्लियर है ठीक है हाई फ्लायर हाई लुसिफर राइजोबियम अकर्स इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम फिक्सेस नाइट्रोजन प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ऑप्शन हीमोग्लोबिन लेग हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन सारे एग्जांपल आपको देगा और पूछेगा किसके हेल्प से राइजोबियम बैक्टीरिया अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग हीमोग्लोबिन है कोई और चीज नहीं टिक करके आएंगे नोट डाउन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर बैक्टीरिया लाइक एजोस्पिरिलियम एजोटोबैक्टर कैन फिक्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन दि सॉइल एनरेचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ दि सॉइल तो ये एजोस्पेरम जो होते हैं और एजोटोबैक्टर होते हैं ये सारे बैक्टीरिया फ्री मतलब आराम से सॉइल में ही रहते हैं इनको किसी के साथ सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है तो ये फ्रीली अपना आराम से रहते हैं और आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं अकेले विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी हेल्प ठीक है तो एजो बिलियम अभी आपसे पूछेगा नेम द बैक्टीरिया विच इज नॉट डूइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है अब ऑप्शन ए आएगा राइजोबियम ऑप्शन बी आएगा एजो ऑप्शन सी आएगा जोटोबैक्टेरियन ऑप्शन डी आएगा कोई अलग-अलग सा बैक्टीरिया और अब आपको क्लिक करना क्या है फोर्थ ऑप्शन विच इज नॉट इन्वॉल्व राइट चलो फंगी फंगी बहुत इंपॉर्टेंट है और फंगी के निराले रूप है बहुत सारी चीजें करते हैं फंगी कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है माइक्रोराइजा के फॉर्म में फंगी प्लांट के साथ माइक्रोराइजा जो होता है जो कि फंगी एक तरह से रिलेशनशिप में है किसके प्लांट के साथ ठीक है मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म द माइकोराइजा एब्जॉर्ब्स फास्फोरस किस चीज का एब्जॉर्प्शन कर रहा है फास्फोरस का अब क्वेश्चन क्या बनेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रही हूं जो बच्चे स्मार्ट है नोट कर रहे होंगे चलो तो बताओ क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोराइजा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑप्शन बी फॉस्फोरस ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी कुछ भी ऑक्सीजन कुछ भी लिख देगा ठीक है मेरी तबीयत ठीक ठीक है बेटा ठीक है इसलिए क्लासेस थोड़ी सी कम करनी पड़ी मैम को ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्री वीक्स तक देखेंगे अगर अगर गला सही रहा दैट इज गुड अगर इंप्रूवमेंट दिख गया नहीं इंप्रूवमेंट हुआ तो आई विल टेक अ वीक ऑफ फिर मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा तो उस समय मैं वीक ऑफ लूँगी मैं पहले से बता दे रही हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि थ्री वीक्स में सही हो जाए अगर नहीं सही हुआ देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम फॉर माई सर्जरी ओके चल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन रूट बॉर्न पैथोजन आज नहीं कल गई थी गुड इवनिंग आर्या बेटा शकल में नहीं प्रॉब्लम है ना गले में प्रॉब्लम है शक्ल तो अच्छी ही है मुझे दिक्कत थोड़ी ना हो रही है बस आवाज़ नहीं सही आ रही है चार महीने हो गए यार आवाज ही नहीं लौट रही है मेरी इट्स बी फोर मंथ में अपनी रियल वॉइस नहीं सुनी हूँ आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है मेरी वॉइस खो गई है चार महीने से टॉलरेंस टू सैलिनिटी ड्रॉट ये सारी चीजों को बचाता है कौन आपका फंगी ठीक है ये माइक्रोराइजा बना के ये ड्रॉट कंडीशन ये सारी चीजों से बचा रहा है अब देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन वन बनेगा प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रूट बॉन्ड पैथोजन सेकेंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड थर्ड ड्रॉट कंडीशन में भी मदद करता है और एक फोर्थ ऑप्शन बनाएगा जो कि गलत बनेगा तो देख लो यहां यहां से क्वेश्चन निकाला जाएगा यहां यहां से क्वेश्चन निकाला जाएगा आपके ठीक है हाय यू मिसिंग मी सिंस मंथ को पता मेरी आवाज़ कैसी थी शुरू में बीन मी थ्री फोर मंथ्स तो स्टार्टिंग में मेरी आवाज काफी सही थी साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं ब्लू

तो पुराने लेक्चर आप लेट्स क्रैक पे देख रहे हो ना उससे पहले मैं जब पढ़ाती थी तब की बात आई एम हेर सिंस वन मंथ बट आई एम टीचिंग ऑफलाइन ही पढ़ाती थी अभी ऑनलाइन फोर फाइव मंथ से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने लगी है तो इसलिए गया हाय शिवराज एना बेना नॉस्टॉक और शिलेटोरिया ये सारे क्या है साइनोबैक्टीरिया जो कि मदद करते हैं इसमें एज ए बायो फर्टिलाइजर सर क्या फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं पैडी फील्ड में पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है ब्लू ग्रीन एल्गे ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बनाते बढ़ाते हैं तो दोनों जगह मिलते हैं पानी में भी मिलते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी मिलते हैं ठीक है मैंने पढ़ाई कितनी की है कॉलेज तक कॉलेज के कॉलेज तक क्या मैं अभी भी पढ़ रही पढ़ींगा डॉक्टर्स की पूरी लाइफ पढ़ते निकलती है इतना रेडी रहना और ये जो सोच रहे होंगे ना हाय राम इतना पढ़ना पड़ेगा आप जब डॉक्टर बनोगे ना आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप पढ़ाई से दूर जाएं और पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि रतंत विद्यालय के बैठ गए कुछ नया जानने के लिए कुछ नया समझने के लिए आपको हमेशा मन करेगा कि कुछ नया जानना है मुझे वो क्यूरियोसिटी आ जाएगी ठीक है क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज़ है बहुत प्यारी चीज़ है तो वो जब आप एक बार प्रोफेशन में एंटर करोगे आपको खुद मन करेगा एजोला विथ एनाबेना ये दोनों देखो एक साथ रहते हैं जो कि एक्सलेंट बायो पैडिफील बायोफर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर है राइस कल्टीवेशन के लिए किसके लिए राइस कल्टीवेशन के लिए राइट right? तो एजोला और एनाबेना कौन एजोला और एनाबेना आपके साथ रहते हैं और बायो फर्टिलाइजर की तरह एनाबेना वर्क करता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एंड ईल ऑफ प्लांट क्या कर रहे हैं सॉइल टेक्सचर और प्लांट की ईल को बढ़ा रहे हैं पैथोजन को आने नहीं दे रहे हैं उनको भगा रहे हैं पैथोजन को जाओ या तुम्हारी जरूरत नहीं है इको फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इको फ्रेंडली भी होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं हाय पवन हेलो 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 बेटा लोग स्पैम ना करो पढ़ लो पढ़ लो इको फ्रेंडली है कॉस्ट इफेक्टिव है प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉलिटेंट्स सिंस दे आर नेचुरल फर्टिलाइजर तो पॉलिटेंट्स को हटा रहे हैं डिस्ट्रॉय मेनी हार्मफुल सब्सटेंस इन दॉय दैट कैन कॉज प्लांट डिजीज तो डेफिनेटली डिजीज से बचा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करके बायो फर्टिलाइजर प्रूव टू बी इफेक्टिव अंडर सेमी एरिड कंडीशन तो सेमी एरिड क्या होता है पूरी तरह से बंजर जमीन नहीं थोड़ी बंजर नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया नहीं सेमी डेजर्ट एरिया जहाँ पानी की थोड़ी किल्लत चल रही हो ऐसे एरिया में भी बायो बायोफर्टिलाइजर बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं ठीक है चलो अच्छा यार ये मैं आंसर दे दे के पागल हो जाऊँगी तुम एक बात बताओ हमको तुम क्या पढ़ाई टीचर की क्वालिफिकेशन देख के करोगे मान लो मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं आप नहीं पढ़ते तो जाओ मत पढ़ो भाई कोई दिक्कत नहीं है सोचो यार तुम लोग कितना बुद्धू वाला काम करते हो टीचर से पढ़ने तब जाओगे कि वो अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं ये नहीं मतलब है टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है वो देख के पढ़ेंगे हैं? इससे अगर नंबर आ जाते यार तो मैं बता रही हूँ आपको ना मैं बता रही हूँ कि टॉप एजुके जो मतलब टॉप वन नंबर के डॉक्टर्स हैं ना वो ऑनलाइन क्लास लेते और सब डॉक्टर बन जाते हैं सब डॉक्टर बन जाते हैं तो ऐसी बात नहीं ना बेटा टीचर कितनी मेहनत करेगा आपके लिए आपकी कामयाबी में टीचर 10 से 15 परसेंट मेहनत करता है मैक्सिमम बाकी 85 परसेंट आपकी मेहनत है तो इस पर ध्यान दो ना इस पर ज़्यादा ध्यान दो ये तो आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी टीचर से आपको ये मिल जाएगा ये कब लाओगे इतनी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती है खुद पे डिपेंड होना ज्यादा जरूरी है कोई बात क्या फर्क पड़ता है ठीक है अगर मैं नहीं भी होती तो मुझे पढ़ाने आता तो उससे क्या फर्क पड़ता है मेन बात ये आपको समझ में आ रहा है आप चीजें ग्रैस्प कर पा रहे हो तब होती है टीचर एजुकेटर की परख उसकी क्वालिफिकेशन परखने लगोगे तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड में नहीं होता कि तुमको तो कुछ पढ़ने ही नहीं आता कुछ बोलने नहीं आता तुम क्या ही बनोगे ठीक है यही सब वाली बात हो जाती न्यूटन तो अनपढ़ था उसने इतनी बड़ी थ्योरी लिख दी जिसको फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो इतने बड़े बड़े लोग उसको तो मना कर दिया था तुमने तो पढ़ाई नहीं की है तुम क्यों आए हो यहाँ पे चलो आ जाओ फटाफट से चलो जल्दी से लिख दो बिंगो अगर समझ में आ गया और आज ये चैप्टर खत्म हो गया है जल्दी से लिख दो बिंगो अगर समझ में आ गया नहीं समझ में आया तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो देखो मैं पूछती हूँ एंड में क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन ऊट पटांग नहीं सही वाले क्वेश्चन ऊट पटांग नहीं जल्दी बताओ मैं अपने लिए नहीं कह रही मैं हर एजुकेटर के लिए डोंट पिंच ऑन सच थिंग्स इस पर पिंच करोगे पिंक करोगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन तभी हम पढ़ेंगे यार ऐसा तो हो चुका ना ऐसे ना पूरे दिन आप यही ढूंढते रह जाओगे कि क्या टीचर ढूंढे ज्ञान बट रहा है खुले में बट रहा है होलसेल में कहते हैं ना होलसेल में ज्ञान बट रहा है ले लो बेटा हर क्लास में जाओगे किसी भी एजुकेटर के क्लास में जाओगे गारंटीड आप वहां से कुछ नया सीख के आओगे ये मेरी गारंटी है कोई भी एजुकेटर के क्लास में आप जाओगे हो ही नहीं सकता आपको सीख के नहीं आओ जरूरी नहीं आप पढ़ाई से रिलेटेड सीख रहे हो हो सकता है आप जिंदगी से रिलेटेड कुछ सीख लो मैं बता रही हूं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ठीक है अगर आपको अच्छा लग रहा आप पढ़िए नहीं तो मत पढ़िए क्या मतलब है वो क्या है क्या, क्या नहीं है यार ऐसे तो नॉन डॉक्टर्स वालों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए और ये बिल्कुल गलत है पढ़ाने आना चाहिए बच्चों को थ्री डट देखिए ना पढ़ना कैसे है मतलब पढ़ाना कैसे वो भी मैटर करता है राइट right? चलो नहीं कोई ब्लॉक नहीं हो रहा है कोई ब्लॉक नहीं हो रहा है कोई नहीं ब्लॉक होगा यार बदतमीजी अलग चीज है ही इज जस्ट मैं उसको सिर्फ समझा रही हूँ ना गलत बात नहीं बेटा ठीक है चलो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फ्री लिविंग फंगस मा कैन बी यूज टेलीग्राम लिंक है अरे ये नाम से मेरा टेलीग्राम है इसके अलावा ये दोनों चीज़ से मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा ठीक तो ये दोनों जगह से आप मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा राइट चलो ए आ रहा है आंसर ए आ रहा है लेट्स चलो अब इनको हटाया जाए नहीं तो हमको पिटवाओगे और जो बच्चे टेलीग्राम हैं प्लीज़ चैट में टेलीग्राम का आईडी से शेयर कर दो सबसे ओ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज क्या कर रहा है ट्राइकोडर्मा अरे इंसेक्ट नहीं क्लीन किल कर रहा है प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर रहा था ट्राइकोडर्मा भूल गए अभी पीछे पढ़ाया है जय मैं समझ गई बेटा मैं समझ गई कोई बात नहीं आपने गलत नहीं किया मैं बस बता रही हूँ थोड़ा सा अपनी थिंकिंग चेंज कर लो मैं समझ रही क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को बट चेंज कर लो ना बहुत से टीचर को बुरा लगता है मैं अपनी बात सच में नहीं कह रही मुझे नहीं लग रहा मुझे एक नहीं लग रहा है उड ऑफ वॉट आई एम ठीक है ना मेरी लाइफ के बारे में आप ज्यादा जानते हो ना कोई बात ना किसी को जानने की जरूरत है मैं जानती हूँ ना बस बहुत राइस फील्ड अजोला के साथ कौन रहता है जल्दी बताओ अजोला के साथ कौन रहता है अरे बेटा मैं डॉक्टर हूँ क्लिनिक वाली डॉक्टर साहब वही हूँ पीएचडी नहीं हूं मेरी इतनी उम्र नहीं कि हम पीएचडी कर लें ठीक है जैसे भी दिखते हैं बट इतनी उम्र ना है हमारी तुमसे कुछ ही महीने के हम छोटे हैं बस इतना ही बताते हैं बड़े हैं या छोटे हैं जो मान लो कुछ ही महीने का अंतर है दिखते नहीं है तो क्या हो गया एना बेना होगा अभी ये भगवान अजोला के साथ अभी राइस फील्ड में बताया ना एनोबेना का ये सारे एनसीआरटी के क्वेश्चन है नलायको प्योर एनसीआर के क्वेश्चन है बहुत पिटाई हो जाएगी अभी अभी लास्ट स्लाइड में इसका नाम आया था एजोला और एनाबेना का साथ साथ हम साथ, -साथ हैं आए थे दोनों भूल गए फिर भूल गए पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आपको क्या कर रहे हो पढ़ा रहे हैं भाई और क्या कर रहे हैं और किसने बोला मैंने डॉक्टर छोड़ दिए है मल्टी टास्किंग होते हैं ना मल्टी टास्किंग समझे मल्टी टास्किंग हो रही है यहाँ पे ये हम है ये हमारा बोझ है और हम मल्टी कर रहे हैं जल्दी बताओ डज नॉट हेल्प इन होस्ट प्लांट डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन क्या हो गया क्यूटिया सुबह से आप एकदम से एकदम से ही सैड सैड हो क्या हो गया बेटा आपको डी आ रहा है एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग देखो मैंने जो क्वेश्चन बोला था ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे तुम देख लेना ना एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे मेरे बोले हुए क्वेश्चन आने वाले मैं बता रही हूँ आपको आप मानोगे नहीं आ जाए तो एग्जाम फिर मैं बोलूंगी और मैं आपको लेक्चर भी दिखाऊंगी मैंने कैसे यहाँ क्वेश्चन बोला था और एग्जाम में आया है ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे सूडोमोनाज आ रहा है एंड इट इज एप्सल्यूटली करेक्ट सूडोमोनाज नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है ठीक है ए ओम गंदी बात नहीं गाली नहीं देना है यहाँ पे बहुत गलत बात है बहुत गलत बात है बेटा बिल्कुल गाली नहीं देना है आई आर के बायोलॉजी आफ्टर सो लॉन्ग आम सींग यू बच्चा विच ऑफ दाइडली यूज एज सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन इंडियन राइस फील्ड इंडिया के राइस फील्ड में कौन सा इनमें से यूज होता है अभी बात किया है अब भूलें न यही यही पड़ेगा नहीं क्यूटी आपकी वैसे सैड नहीं क्यूटी को कोई तो प्रॉब्लम है जो भी बता नहीं रही है हाँ हाय साक्षी हाय राम रूप डी आ रहा है सबका एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिसकेज इज द एक्सेसिव यूज ऑफ आई टी एम किस चीज़ का यूज डिस्करेज करता है कम ऑन एवरी वन क्या चीज़ मना करता है यूज़ करने से ऑब्वियसली ये इको फ्रेंडली होगा तो क्या चीज मना करेगा आप लेट क्यों ज्वाइन करते हो मुझे ये बताओ आपको पता है मेरा क्लास अब दो क्लास होगा डेली एकदम लिख लो कहीं पैसे बांध लो गाट कैसे एक एट एम होगा जिसमें मैं एनसीआरटी कर रही हूँ और एक 7:30 थर्टी होगा जो जिसमें मैं कल से एनाटमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट को कंटिन्यू करूंगी आज उसका पहला लेक्चर था पाँच बजे अब साढ़े सात बजे से वही क्लास चलेगी एक चीज़ और एन टी लाइन ब लाइन में मैंने एक ट्विस्ट डाला है आपके लिए क्या ट्विस्ट डाला है चलिए बताती हूँ मैं आपको बी होगा इसका आंसर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज मना करेगा क्योंकि ये इको फ्रेंडली पे फोकस कर रहा है कैसे सी होगा बायोलॉजिकल क्यों मना करेगा वो ठीक है अच्छी चीज़ है ना बायोलॉजिकल तो सब चीज़ क्यों मना करेगा मैकेनिकल भी मना नहीं करेगा अगर वो हार्मफुल नहीं है लेकिन केमिकल को बिल्कुल मना कर देगा कि ये नहीं यूज करना है ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एज ए तो तो ट्विस्ट ट्विस्ट क्या है है प्लॉट में चली बताते हैं हम आपको तो ट्विस्ट ये है कि कल से जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ लाइन बाय लाइन उसमें सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी नहीं और लाइन बाय लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं लाइन पढ़ती जाऊंगी और आप सुनते रहोगे रामायण न चल रही है कहानी सुना रही है मैम और आप सुन रहे हो उसमें मैं हर पैराग्राफ में से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बताती हूँ उसको समझाती हूँ और जो जो क्वेश्चन उस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराती हूँ तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना तो एनसीईआरटी टी लाइन वा लाइन ऐ ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन भी करा, बता रही हूँ कैसे बनते हैं ठीक है इसमें भी बताती हूँ मैं सुबह में एन टी से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं तोड़ मरोड़ के कभी इस तरह कभी उस तरह कुछ भी बन सकता है तो वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ बी आंसर आ रहा है एंड सी इज जैंथोमोनास कैम्पेटेरिस इज नॉट यूज एज बायो पेस्टिसाइड यार इसका नाम, इसका नाम इसका नाम इसका नाम तीनों का नाम आया है जिसका नाम एक्स्ट्रा है वही होगा हद ऐसे कौन भूलता है एक क्यों नहीं होगा ट्राइकोडर्मा बायो पेस्टिसाइड है यार फंगल जो कि डिजीज प्रिवेंट करता है किसी भी प्लांट में अभी तो पढ़ाया ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड दिस नॉट इज देर ऑर्गेनिक फार्मिंग हाई प्रयास जल्दी बताएंगे मै संतोष बोल रहे हैं बी लेट सी बीज करेक्ट और नॉट नहीं वो जीन नहीं है हे भगवान वो क्राइजीन थी वो दूसरी जी यार क्राइजीन हो रहा है चीजों में इट इज बी केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर आर वॉट आर बायो फर्टिलाइजर जल्दी बताओ वॉट आर बायो फर्टिलाइजर मॉन एवरी वन अरे तो जीनस हो जाए जो हो वो प्रिवेंट तो कर रहा है ना आपको ऑड वन आउट ढूंढना है बेटा डी आ रहा है लोगों का चलिए ए इज द आंसर बायो फर्टिलाइजर आपके बैक्टीरिया फंगी या साइनो बैक्टीरिया फंगी और तीसरा क्या था बताओ जल्दी तीसरा क्या बताया था मैंने एक मैंने बैक्टीरिया बताया था एक मैंने साइनो बैक्टीरिया बताया था और एक मैंने फंगी बताया था तो यहां पे फंगी भी होता तो यही आंसर आता क्लियर है बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मुझे नीट नहीं आ रही है ये क्या है भाई नीट नहीं आ रही कि नींद नहीं आ रही है नीट कैसे आएगी चलो जल्दी से डी आ रहा है डी आ रहा है बेटा बायो फर्टिलाइजर कह रहा है लिविंग बोल रहा है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो खेतों में ठीक है डायरेक्टली इनको ले जाके खेतों में यूज कर सकते हो ऑल ऑफ दीज डेफिनेटली द सिम्बायोटिक द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशन फंगी और हायर प्लांट के बीच में इनका नाम क्या है इनका नाम क्या है जल्दी बताओ बी आ रहा है लेत्सी लेत्सी बी सही है या नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बी माइक्रोराइजा साइनोबैक्टीरिया व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर सकता है जल्दी बताओ ये पिटाई हो जाएगी गलत हुआ तो मैं पहले बता रही हूं पिटाई हो जाएगी बढ़िया वाली जल्दी बताएंगे सी बोल रहे हैं बच्चों पार्टी लेट सी सी करेक्ट और नॉट एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं राइट right? चलो ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रेड ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का यूज क्यों यूज किया जाता है किससे बचाती हैं ये ड्रैगन फ्लाइज सिर्फ sure एक चीज से बचाएगी डोंट यू थिंक मोर देन चीजों से भी बचा सकती है चलिए लेट्स इज ए मॉस्किटो से केवल ड्रैगन फ्लाइज बचाती है किससे सिर्फ मॉस्टो से बचाती है और किसी चीज से नहीं बचाती एम फिट्स को नहीं खिल करती है उनके लिए आपके रेड बीटल्स वगैरह होते हैं क्या thur, क्या करता है? क्या करता है ये है ये जल्दी बताइए क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है कैसे भी हाँ इट इज अनएक्सपेक्टेड और ये आएगा घबराओ मत क्योंकि उसकी लाइन में ऐसे लिखा ना इट कंट्रोल्स इंसेक्ट्स मॉस्किटोज एंड दिस एंड दिस इज मैम बायोटिप्स पार कैसे करें हैं मतलब इट इज इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट को बैसुलस बीटी कंट्रोल करता है बैकुलो वायरस डो नॉट शो बैकुलस बैकुलो वायरस क्या न्यूक्लियो पोलियो डज नॉट शो वॉट इट डज नॉट शोज कितना इजी क्वेश्चन है जल्दी देखो डी नहीं होगा डी नहीं होगा देखो देखो ऑप्शन पढ़ो समझ में आ जाएगा एंड इट सी अरे यार बैकलो वायरस किसी भी तरह का इफेक्ट नॉन टारगेट पैथोजन पे नहीं करता है कभी भी ये नॉन टारगेट पैथोजन पे नहीं अटैक करेगा चलो बैसिलसूर बी टी स्ट्रेन है डिजाइनिंग नोवल कोरोना वायरस मत लिख देना सुनते नोवल का नाम सुनते ही कोरोना वायरस ऐसे नहीं होता है नोवल क्या कमऑन एवरीवान जैन कह रहे डी चलो एंड एंडी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फर्टिलाइजर नहीं बनाता ये एक तरह से इंसेक्ट को मार रहा है तो इसमें से कोई भी नहीं होगा डैश इज अ पिगमेंट दैट गिव्स अ पिंकिश ह्यू ड्यू टू राइजोबियम बी रूट नोड्यूल अब देखो आ गया मैंने कहा था ये पिगमेंट पे क्वेश्चन आएगा ठीक है ये पिगमेंट पे क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा मैं अभी प्लस पे नहीं स्पेशल पे पढ़ा रही हूँ आप लोग की दया दृष्टि बनी रहेगी तो बहुत जल्द हम प्लस पे भी दिखेंगे पेज नंबर 187 में दिया है यस बच्चे ए आ रहा है ए आ रहा है तो बच्चों पार्टी जो लोग अभी ताजे ताजे ट्वेल्थ में आए हैं और नीट 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो प्लस पे ये बैच लॉन्च हो चुका है अट्ठाईस मार्च से इसका आप हिस्सा बन जाएंगे ये सारे एजुकेटर हैं उस पर अगर आप प्लस पे आते हैं तो ये सारे एजुकेटर आपको वहाँ पढ़ाने वाले हैं बहुत अच्छे से आपको मेंटोर करने वाले हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं इसके अलावा 20 ईयर्स पी का बैच आ गया है 31 मार्च यानी कल से नीट 2021 के लिए है ये तो जो बच्चे ये भी प्लस पे आ गया है तो जो बच्चे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं अगेन दे कैन कम ऑन प्लस और डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन है लेना कैसे कोड लगाना होगा साक्षी हंड्रेड जिससे आपको इमीडिएट क्या होगा टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा एंड माय पर्सनल गाइडेंस दैट इज फॉर श्योर ठीक है एंड बच्चों पार्टी ये सारे एजुकेटर आपको प्लस पे पढ़ा रहे हैं इसके अलावा सिक्सटी प्लस एजुकेटर और हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं आप किसी से भी क्लास लेते है हैं ये सारे अमेजिंग टीचर्स हैं आपके लिए प्लस पे अवेलेबल और फ्री टेस्ट आपके लिए शेड्यूल्ड है अदर अगर लग, अलग अलग एजुकेटर्स के लिए ठीक है तो बेस्ट जो आपके लिए है आपको जो बेस्ट लगता है वो चूज करके टेस्ट दे सकते हैं कॉम्बैट हर संडे हो रहा है जहां पे आपको 100 परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिल रही है और 150 विनर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो हर संडे ये हो रहा है बस आपको लॉग इन करना है फ्री इसी कोड से फ्री लॉग इन साक्षी हंड्रेड सब्सक्रिप्शन लेना है साक्षी हंड्रेड टेलीग्राम पे आना है साक्षी हंड्रेड और इससे आपको टेन ऑफ और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल रही है यस फॉलो मी ऑन एन अकेडमी विद दिस लिंक माय नेम इज़ डॉक्टर साक्षी मरणवाल और यू कैन मैसेज मी यू कैन डेडिकेट हैथ और वन पी पे मेरी डेली स्पेशल क्लास लगती है जिसमें मैं हर एक दिन एक नया चैप्टर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन खत्म करती हूँ तो बहुत मज़ा आता है मैंने ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट कर दिया है ठीक है तो अभी भी आपके पास टाइम है बहुत सारे पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पूरा एनिमल फिजियोलॉजी कल से शुरू हो रहा है तो अगर आपको इसका हिस्सा इस बना जल्दी से आ जाएंगे वन पी पे मेरी स्पेशल क्लास में ओके okay? सब्सक्रिप्शन कैसे लें बेटा सब्सक्रिप्शन आपको ऐप डाउनलोड करना होगा उसके बाद ऐप के अंदर आपको चूज करना होगा अपना गोल उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और कोड लगाना होगा साक्षी हंड्रेड ओके बाकी आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं अगेन मेरा टेलीग्राम साक्षी हंड्रेड के नाम से है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे मैं बता दूंगा आ जाए बेटा आई ट्राई बेटा बट अभी यहाँ पे भी बच्चों को ध्यान देना तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कब आ रही हैं ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी ओके okay? मैं साक्षी हंड्रेड पे शेयर कर रही हूँ आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले लेंगे मेरे टेली का नाम क्या है टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साक्षी हंड्रेड और यही मेरा कोड है टू टेक द सब्सक्रिप्शन तो ये नहीं भूलेंगे ठीक है चलो यहाँ आ जाएंगे चलो थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे कल सुबह आठ बजे क्लास है कोई नहीं मिस करेगा कल बायोमोलिक्यूल शुरू कर रहे हैं तो अभी ताज़ा ताज़ा चैप्टर है डो नॉट मिस इट आउट थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे बाय